छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर संभाग मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने स्थानीय तिरंगा चौराहे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। गगनभेदी नारों और देशभक्ति गीतों के बीच पूर्ण भव्यता के साथ निकाली तिरंगा यात्रा श्री राम मंदिर में संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा गौरव, हमारी आन बान और शान है। देश में 11 तारीख से 15 तारीख तक और हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और विधानसभा वार और मोटरसाइकिल की यात्रा युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम उसके प्रभार में हो रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में उसके अंतर्गत आने वाले मंडलों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करना आज से प्रारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 13 तारीख तक चलेगा। इसी बीच और हमारे जो विभूति हैं देश के, उनके मूर्तियों पर उनकी मूर्तियों की सफाई, स्वच्छता का अभियान का संदेश देते हुए और मालार्पण कर फिर वहां से और तिरंगा यात्रा, उद्बोधन, संगोष्ठी, इस तरीके के कार्यक्रम 11 से 13 तारीख तक होने हैं। 14 तारीख को हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का और विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कि किस तरीके से 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का बंटवारा हुआ था, उसके टुकड़े हुए थे, किस तरीके से देश ने, देशवासियों ने इस त्रासदी को झेला था और इसके पीछे की सत्यता क्या है। निश्चित रूप से ये प्रत्येक जिला मुख्यालय में और प्रदर्शनी के रूप में और संगोष्ठी के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने यह आह्वान लिया है कि इस तिरंगा प्रत्येक घर में तिरंगा लगे और इस नाते हमारे पूरे बूथ में, हर बूथ में 50 तिरंगा आवश्यक रूप से लगेंगे। हमारे यहाँ 24,000 बूथ है ऐसे छत्तीसगढ़ में, तो प्रत्येक बूथ में 50,000 झंडे लगेंगे और तिरंगा के आन बान शान हमारी शान है, हमारे आन बान का प्रतीक है तिरंगा, हमारे देश का स्वाभिमान है। तो स्वतंत्रता दिवस को और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होते हैं लेकिन बड़े उत्साह के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नड्डा जी के द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि किसी प्रकार का बगैर राजनीतिक फूट के और इस कार्यक्रम में सभी को सम्मान समाहित करते हुए सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि के लोगों को और इसको हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक हर घर